हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में। इसमें क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं, क्या चार्ज लगता है आईडी लेने में, क्या कमीशन मिलता है और कैसे सर्विसेज को यूज़ किया जाता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं इसी तरह की और भी वीडियो बना सकूं, और कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने अपने डैशबोर्ड पर लॉगिन कर रखा है एयरटेल पेमेंट बैंक के। यहाँ पर आप देख सकते हो कैश विड्रॉल, मनी ट्रांसफ़र और APS की आधार अनेबल जो पेमेंट सिस्टम होता है उसकी ID वगैरह है। जो आप कैश विड्रॉल यहाँ पे लिखा है ये होता है जो आप अकाउंट ओपन करोगे उनके लिए, एयरटेल पेमेंट बैंक के अकाउंट के लिए। मनी ट्रांसफ़र भी उन्हीं के लिए होता है, कैश डिपॉजिट भी उन्हीं के लिए होता है। अगर और किसी बैंक से आपको रुपए निकालने हैं या ट्रांसफ़र करने हैं तो आप APS का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ से आप कस्टमर का बैलेंस चेक कर सकते हो और अंगूठा लगा के आप अपनी उनके अकाउंट से रुपए निकाल सकते हो। मोबाइल रिचार्ज का भी ऑप्शन मिलता है, DTH रिचार्ज और इलेक्ट्रॉनिक बिल पेमेंट का भी ऑप्शन मिलता है, और इसमें अच्छा खासा कमीशन मिलता है। तो ये नहीं है कि आप रिचार्ज करोगे इसमें कोई कमीशन नहीं मिलेगा। मोबाइल रिचार्ज में आपको 2 से 4% तक कमीशन मिलता है, डेटा रिचार्ज पे भी ऐसा ही सेम कमीशन मिलता है। बाकी ऑपरेटर के ऊपर होता है कि वो कितना कमीशन देता है। ठीक है, बाकी आपको जो मेन जो एयरटेल पेमेंट बैंक की सर्विस है वो है अकाउंट ओपनिंग की। इसमें आप जीरो बैलेंस का अकाउंट ओपन कर सकते हो वो भी विदाउट एनी किसी चार्ज के, और कस्टमर को मिनिमम इसमें 500 रुपये का रखता है तो आपको इसमें अच्छा खासा कमीशन मिलता है। 24 घंटे तक अगर कस्टमर अपने अकाउंट में 500 रुपये रखता है तो आपको अच्छा खासा कमीशन मिलता है। तो आप कस्टमर से कह सकते हो कि अपने अकाउंट में आप 500 रुपये जमा करा दीजिए। ठीक है, बाकी और भी मैं दिखा देता हूँ। जैसे मैं प्रोफाइल वगैरह में जाता हूँ तो यहाँ पर नीचे आऊँगा मैं, यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन चार्ज देख सकते हो किस सर्विस के लिए कितना चार्ज लगता है। अकाउंट ओपनिंग के लिए 0 चार्ज है, मनी ट्रांसफ़र मनी लोड के लिए भी 0 है, और इसी तरह से सारी सर्विसेज के चार्ज दिए गए हैं। देख लीजिए, अकाउंट ओपनिंग फ्री है, कैश डिपॉजिट कैश लोड सब फ्री है, कैश विड्रॉल अगर ज़्यादा करते हो 10,000 से तो फिर चार्ज वगैरह लगता है। ठीक है, बाकी सारी इसी में पूरी डिटेल दी गई है, आप चेक कर सकते हो बाद में। और ये आईडी मुझे कैसी मिली, इसके लिए क्या चार्ज देना पड़ा, मैं उसके बारे में बता देता हूँ। ये आईडी मैं अपने लोकल जो डिस्ट्रीब्यूटर है उससे ली है। ये आईडी मैंने अपने लोकल डिस्ट्रीब्यूटर से ली थी, तो जो यहाँ के एयरटेल पेमेंट बैंक का डिस्ट्रीब्यूटर है उसी से मैंने ली थी। इसके लिए मैंने जो डिस्ट्रीब्यूटर था उसे सिर्फ 150 रुपीज़ 150 रुपये दिए थे, वो भी उसने कहा था इंश्योरेंस वगैरह के लिए लग रहे हैं वो देने पड़े थे, और 350 रुपये मेरी आईडी से कटे थे जो आईडी का चार्ज होता है। तो टोटल 500 रुपये में मुझे ये आईडी मिल गई थी। 500 रुपये में 0 बैलेंस का अकाउंट ओपनिंग का काम मिल जाता है, APS का मिल जाता है, मोबाइल रिचार्ज का मिल जाता है, तो ज़्यादा महंगी नहीं है। अगर आप जनसेवा केंद्र संचालक हो या दुकान वगैरह आपकी कोई भी, तो आप ये आईडी लेकर यहाँ से काम शुरू कर सकते हो। और इसमें कैश विड्रॉल वगैरह पे भी अच्छा कमीशन मिलता है। बाकी कोई भी अदर क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसके बारे में ज़रूर जवाब दूंगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।